कछुआ और खरगोश। एक जंगल में सारे जानवर आपस में खेल रहे थे। वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। सारे दोस्तों में कछुआ, खरगोश, घोड़ा, हाथी, कुत्ता सब खेल रहे थे। उन सब में खरगोश बहुत घमंडी था। उसने कहा, कछुआ, तुम तो बहुत धीरे धीरे से चलते हो। जब तक तुम कहीं पहुंच जाओगे तब तक अंडे से मुर्गी भी आ जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इसी तरह चलता हूँ और मैं इसी से खुश हूँ। क्यों ना हम दोनों में दौड़ की प्रतियोगिता रखी जाए, देखते हैं कौन जीतता है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत धीरे धीरे चलता हूँ और तुम ही तो जीत जाओगे, तो क्या फायदा दौड़ लगाने का। फिर भी एक बार हम दौड़ की प्रतियोगिता रखी लेते हैं। ठीक है, मैं भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा, देखते हैं कौन जीतता है। दोनों के बीच दौड़ की प्रतियोगिता शुरू हो गई। खरगोश आगे दौड़कर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया और कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, जब तक कछुआ आ जाएगा तब मैं फिर से दौड़ शुरू करूंगा। वैसे भी कछुआ बहुत धीरे धीरे से चलता है ना। मुझे प्रतियोगिता जीतनी है और मुझे अच्छी तरह से जीतने के लिए कोशिश करना चाहिए। मुझे और तेजी से दौड़ना पड़ेगा, मुझे अपनी तेजी बढ़ानी होगी। कछुआ दौड़ते दौड़ते खरगोश के पास चला जाता है। वो देखता है खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा होता है। खरगोश तो सो गया, मुझे प्रतियोगिता जीतने के लिए दौड़ लगानी होगी, ये अच्छा मौका है। इसे सोने देता हूँ और मैं लक्ष्य तक दौड़ जाता हूँ। ऐसा सोच के कछुआ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो सोचता है, अरे पर ये तो गलत हुआ, बिना प्रतियोगी के मैं कैसे दौड़ सकता हूँ। मुझे अगर जीतना है तो खरगोश के साथ दौड़कर जीतना होगा, लेकिन जब वो सो रहा है मैं कैसे दौड़ सकता हूँ, ऐसी जीत जीत थोड़ी होती है। कछुआ फिर से खरगोश के पास जाता है और उसे जगा देता है। खरगोश उठो, अरे खरगोश उठ जाओ, दौड़ की प्रतियोगिता अभी भी जारी है, तुम्हें और मुझे दोनों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, उठो जल्दी उठ जाओ। अरे मुझे कौन जगा रहा है, कौन हो तुम और मुझे क्यों जगा रहे हो। अरे खरगोश, मैं हूँ कछुआ, हम दोनों में प्रतियोगिता चल रही है दौड़ की, उठो दोनों मिलकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर देखते हैं कौन प्रथम आता है। कछुआ तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे जगा दिया, नहीं तो तुम पहले लक्ष्य तक पहुंच जाते और दौड़ की प्रतियोगिता जीत जाते। प्रतियोगिता में प्रतियोगी का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना प्रतियोगिता अधूरी है, एक खेल का नियम है ये, और मैं खेल के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। कछुआ खेल के नियम का पालन तूने किया और मेरे घमंड को भी चूर कर दिया। चलो हम साथ में दौड़ते हैं, अब इस बार मैं घमंड नहीं करूंगा। खरगोश ने कछुए के साथ धीरे धीरे चलना शुरू किया और दोनों एक साथ लक्ष्य तक पहुंच गए। उन दोनों को देख के सबने निर्णय लिया कि दोनों प्रतियोगिता में जीत गए।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, खेल को खेल के नियम के साथ खेलना चाहिए और खेल का आनंद उठाना चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।